ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस, ओडिशा के मयूरभंज के गर्ल्स स्कूल में क्यों फूटा कोरोना बम और कोरोना राहत के नाम पर इमरान खान की सरकार ने कैसे की 40 बिलियन की धांधली। कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना महामारी। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते कहर को देखते हुए राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ओमिक्रॉन पर आज होने वाली राष्ट्रीय कोरोना वायरस कमांड काउंसिल यानी NCCC की बैठक शनिवार को बुला ली है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए रामफोसा सख्त लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में वुहान वायरस फैलाने वाले चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन के 3 शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के सबसे प्रमुख शहर शंघाई में कोरोना की दहशत से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए करीब 500 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। पूरी दुनिया के हुक्मरान कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अपने लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से निपटने की जगह करप्शन में डूबे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि कोरोना के लिए इमरान खान ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया था उसमें फर्जी दस्तावेज के जरिए 40 बिलियन की धांधली हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार 29 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। LG खुद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से सभी तरह की उड़ानें बंद करने की गुजारिश की है। 11 दिन बाद दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले ही किसी भी तरह के समारोह में शामिल हो सकेंगे। दुकान, मॉल, थिएटर में सर्विस देने वालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज के साथ महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे पुराने RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी हो गया है। डेल्टा वेरिएंट के कहर को देखते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर BMC के हाथ पांव अभी से फूलने लगे हैं। BMC के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस एयरपोर्ट अथॉरिटी और टास्क फोर्स के साथ बैठक कर बीते 15 दिनों में मुंबई आए सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी मांगी है। BMC ने एयरपोर्ट पर सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाकर दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ओडिशा के एक जनजातीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित आदिवासी गर्ल्स स्कूल की 26 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। चमकपुर आदिवासी आवासीय गर्ल्स स्कूल की कोरोना संक्रमित सभी 26 छात्राओं को स्कूल परिसर में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पूरी दुनिया में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत में अफरा तफरी मची हुई है। दक्षिण अफ्रीका में कहर बनकर टूटे ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए सरकार दक्षिण अफ्रीका से आए सभी लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने में जुटी है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 8,318 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में कोरोना से 465 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम ठगी कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले 9 लोग स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार का मास्टरमाइंड कमलकांत सिन्हा बिहार के नालंदा का रहने वाला है। संगठित तरीके से काम करने वाला गिरोह के सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी का भरोसा देकर खाते में रुपए जमा होते ही फरार हो जाते थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।